नमस्कार। आप सबको पता है कि देश के लिए आज बहुत बड़ा और ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया। रोहतांग टनल का उद्घाटन हो चुका है, जिसकी कुल लंबाई 8 किलोमीटर 800 मीटर है, यानी तकरीबन 9 किलोमीटर आप कह सकते हैं। ये रोहतांग टनल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश का बहुत गहरा रिश्ता रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अक्सर आपने चुनाव की रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलते सुना होगा कि वो हिमाचल से बहुत गहरा नाता रखते हैं, लेकिन इसमें पूरी सच्चाई है। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री को सबसे ज़्यादा किस जगह पर घूमना पसंद है? वो जगह है हिमाचल प्रदेश का मनाली। हमारे हाथ कई ऐसी तस्वीरें लगी जो प्रधानमंत्री की हैं और तब की हैं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उससे पहले की भी हैं जब वो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे। ये 1997 से 2000 के बीच की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक दौर में पैराग्लाइडिंग का बहुत शौक था, और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ वो कई बार मनाली के सोलंग घाटी में जा चुके हैं। वहाँ वो पैराग्लाइडिंग करने जाते थे, या कभी अगर उन्हें घूमने का मन किया तो वो मनाली चले जाते थे। मनाली इसलिए भी जाते थे क्योंकि वो पैराग्लाइडिंग करना चाहते थे, और तकरीबन 2 से 3 बार उन्होंने पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग भी ली थी। मनाली में एक जगह है बरुआ गांव। बरुआ गांव में ही रोशन नाम के एक शख्स रहते हैं। रोशन का इंटरव्यू लिया है टाइम्स ऑफ इंडिया ने, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें रोशन और प्रधानमंत्री के अनुभवों के बारे में यादों को साझा किया है टाइम्स ऑफ इंडिया ने। रोशन बताते हैं कि 1997 में पहली बार जब प्रधानमंत्री तब हिमाचल प्रदेश के प्रभारी के तौर पर जब नरेंद्र मोदी उनके पास आए थे, तब उन्होंने पैराग्लाइडिंग की इच्छा जताई और रोशन ने उन्हें पैराग्लाइडिंग कराई थी। उसकी तस्वीरें भी टाइम्स ऑफ इंडिया ने शेयर की हैं। इसके बाद 1997 में वो 2 बार मनाली आए, फिर 2000 में वो एक बार मनाली कर आए घूमने के लिए, फिर एक बार वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ छुट्टी मनाने आए थे मनाली। और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौका मिलता था, रोशन बताते हैं कि जब भी उन्हें छुट्टियों पर जाना होता था वो मनाली जाते थे और वहाँ पैराग्लाइडिंग सीखते थे। इस बार क्या है कि प्रधानमंत्री फिर से मनाली आए, इसके लिए रोशन ने पूरी तैयारी कर ली है। रोशन चाहते हैं कि उनके नए पैराग्लाइडर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ान भरे। रोशन बताते हैं कि सोलंग एक इलाका है, सोलंग में उन्होंने प्रधानमंत्री को पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग दी थी, और जैसे ही वो 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, गुजरात की एक जगह है वहाँ पर वो चाहते थे कि पैराग्लाइडिंग की कुछ संभावनाएँ तलाशी जाएँ। सपुत्र उस जगह का नाम है। वहाँ पर जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, तब वो चाहते थे कि सपुत्र में पैराग्लाइडिंग की संभावनाएं देखी जाए, और वो सक्सेस भी हुई थी, वो संभावनाएं मिली भी थी। 2012 में टेस्ट फ्लाइट सफल रही थी। उसके बाद हिमाचल के पैराग्लाइडर्स सपुत्र में एनुअल पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल में हिस्सा लेने जाया करते हैं। ये कुछ तस्वीरें आप फिर से देखिए, ये कैसे पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तब की तस्वीर है, 1996, 1997 और 2000 के बीच की तस्वीर है, जब प्रधानमंत्री भी, तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे लेकिन उन्हें पैराग्लाइडिंग करने का बहुत शौक था, और इसी शौक के लिए वो कई बार मनाली भी गए, और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई थी बरुआ गांव के रहने वाले रोशन से। रोशन ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी के लिए ख़ास तोहफे का इंतज़ाम भी किया है, और वो अब उम्मीद कर रहे हैं कि कभी ना कभी वो खुद एक बार आएंगे मनाली और रोशन से ज़रूर मिलेंगे।